दोस्तों आपने कहीं ना कहीं सांपों के केंचुली तो देखे ही होंगे और आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि सांप केंचुली क्यों निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि सांप केंचुली क्यों निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैक्ट्स टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सांप रेंगने वाले ऐसे जंतु हैं जो जमीन के ऊपर और नीचे पानी में और पेड़ों में रहते हैं। सांप के पैर नहीं होते हैं, वे छिपकली के समूह में आते हैं। सांप ठंडे रक्त वाले जंतु हैं और संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। इनकी 2600 से भी अधिक किस्में पाए जाते हैं। दोस्तों इन सभी सांपों में केंचुली बदलने का स्वभाव सभी में होता है। सभी जीव यहाँ तक कि मानव भी प्राकृतिक कारणों से होने वाले त्वचा के घिसाव या टूट फूट के कारण अपनी खाल यानी कि त्वचा बदलते हैं। जमीन पर रेंगने के कारण सांप की खाल कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है, इसलिए वह समय समय पर नई खाल बदलता रहता है। इसी को सांप का केंचुली बदलना कहते हैं। दोस्तों सांप 1 से 3 महीने की अवधि में केंचुली बदलता है। नई खाल सांप की पुरानी खाल के नीचे विकसित होती है और जब वह पूरी तरह बन जाती है तब एक प्रकार का तरल द्रव उन दोनों के बीच में पैदा होता है जो उन्हें अलग अलग तथा चिकना रखता है। दोस्तों इस द्रव के कारण उसकी आंखों के आगे एक पर्दा सा आ जाता है जिससे वह कुछ देख नहीं पाता। ऐसे में सांप कहीं छिपकर बैठ जाता है और जब उसे केंचुली बदलनी होती है तब वह अपने मुंह को किसी खुरदरी जगह में रगड़ता है, इससे होठों के पास की खाल ढीली हो जाती है। दोस्तों तब सांप के खाल के उस हिस्से को किसी चट्टान या पेड़ की टहनी से अटका देता है, इससे उसके मुंह के पास कुछ रास्ता सा बन जाता है। इस स्थिति में वह अपने शरीर को सिकोड़ कर त्वचा से बाहर निकल लेता है दोस्तों और उसकी त्वचा चट्टान या टहनी के किसी भाग में अटकी रह जाती है। केंचुली बदलने की क्रिया में केंचुली का अंदर का भाग बाहर और बाहर का भाग अंदर की ओर रह जाता है, अर्थात त्वचा उल्टी हो जाती है। इससे इस प्रकार त्वचा बदलने में केंचुली कहीं से भी टूटता नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों शायद आप जान गए होंगे कि सांप केंचुली क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।